भारतीय जनता पार्टी के आज विधायक की बैठक है और संगठन की भी बैठक है। बैठकों का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी का हमेशा जारी रहता है, लोकसभा चुनाव को देखते हुए बैठक है, इसलिए अहम बैठक में हम शामिल होने आए हैं। लगातार बीजेपी में लोग शामिल हो रहे हैं, आपके यहाँ के कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, पूर्व विधायक शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है और जो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहे उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से सब लोग अवगत हैं और उनने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। वो पूर्व विधायक भी हैं, बड़े नेता कांग्रेस के रहे हैं और कांग्रेस की कार्यशैली से वे उन्हें पसंद नहीं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। अभी भी तीन प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई कांग्रेस, क्या कारण है? अच्छा, बिश्नोई नाराज हो रहे हैं, भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं कि जो आ रहे हैं उनको क्या मिलेगा, बिश्नोई कह रहे हैं मजबूरी में स्वागत करना पड़ रहा है। वो उनका देखिए, वो उनका कहना है, जो मैं कह रही हूँ आप उस बात को सुनिए। और साथ ही तीन प्रत्याशी जो कांग्रेस ने घोषित नहीं किए हैं, कांग्रेस से कोई लड़ना ही नहीं चाहता है, लोग भग रहे हैं। कांग्रेसियों के आने से साइड इफेक्ट शुरू तो नहीं हो गए बीजेपी में? यहाँ पर इतनी अच्छी मेडिसिन है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। सुनने में आ रहा था कुछ समय बाद बीजेपी अब कांग्रेस में हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस को तो निपटा ही डाला। देखिए, कांग्रेस अपने आप निपट चुकी, कांग्रेस में ना नेता बचे है ना नीति बची है, और कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए अपने कर्मों से कांग्रेस पार्टी मिटी है। देखिए, कांग्रेस अपने आप निपट चुकी, कांग्रेस में ना नेता बचे है ना नीति बची है, और कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए अपने कर्मों से कांग्रेस पार्टी मिटी है। करेंगे इतने नेताओं को एडजस्ट होना पड़ेगा, उनको करेंगे नहीं।